अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सुबह का टाइम है, सबसे पहले किचन में चलते हैं। किचन में मैं आई हूँ तो ये मैं क्या देख रही हूँ कि मेरा भाई जो है मैदा छान रहा है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, लड़कों को भी काम करना चाहिए। खैर, अम्मी इसे थोड़ा सा काम ले रही हैं। खैर, अभी हम आटा इसका मैदे का जो है इसको गूंद देंगे मैदे को, और इसकी मैदे की रोटियाँ बनेंगी, पतली पतली सी, बारीक सी, अच्छी सी। इसके साथ बनेगा सूजी का हलवा। तो सुबह का ये टाइम है और अम्मी इसमें डाल रही हैं, थोड़ी सी चीनी डाल रही हैं, इसके साथ मीठा सोडा या बेकिंग सोडा थोड़ा सा वो डाल लें, अगर नहीं डालना तो ना भी डालें, कोई मसला नहीं है। अब इसमें पानी डाला है और इसमें ऑयल या घी, आपको जो आसान लगे, जो अच्छा लगे उसे आप मैदा गूँध के, तो इसकी बहुत ही मज़ेदार आप रोटियाँ बना सकते हैं। ये देखें जी, ये बन गया, ये गूंद लिया है, और इसमें वैसे थोड़ी ताकत लगती है काम करने में। और ये सूजी है, इससे बनेगा हलवा। तो अभी ये देखें जी, एक साइड पे हलवा तैयार है, कितना मज़ेदार हलवा है। सुबह नाश्ते का तो मज़ा ही कुछ और है। अच्छा जी, आपके सामने ये हलवा है। इसके साथ अम्मी ने, क्योंकि आटा जो था उसको काफ़ी टाइम लगता है, उसको एक साइड पे रख दिया था, उसके फिर ये पेड़े बना लिए हैं। और फिर जैसे जैसे जो जो उठ के आ रहा है सुबह, तो उसके लिए नाश्ता बनता जा रहा है और वो आके अपना नाश्ता कर लेगा। ये देखें जी, ये सबसे पहले तो मेरा ख्याल है मैं ही नाश्ता कर लेती हूँ फिर, क्योंकि आज मैं आपको अपनी रूटीन बताऊँगी आज क्या रहा है। तो जनाब, अब ये मैंने अपने लिए सेट कर लिया, इसके साथ मुझे चाहिए हलवा, मैं हलवा डालूँगी और इस नाश्ता हो जाएगा, और उसके साथ चाय पी के मज़ेदार मेरा नाश्ता हो जाएगा। ये देखें जी। अच्छा, इसके साथ कि आज की जो रूटीन में साथ साथ हमने खाना भी बनाना है, और उसमें वैसे खाना तो अम्मी ही बनाती हैं, लेकिन अभी मैं बर्तन वगैरह धो लूँ। अब ये अभी हम बनाने जा रहे हैं सोबत। ये देखें सोबत में क्या है। सोबत भी बहुत आसान है, और इसमें आपको पता है पहले जिस तरह सालन बनाया जाता है ना, उस तरह करके हमने ये सोबत बनानी है। चिकन है, और इसमें खैर इसमें क्योंकि ये जो है ना ग्रेवी, इसमें हमने आलू बुखारा भी डाला है, इसको थोड़ा सा ना टेस्टी बनाने के लिए। ये जो मैं सारे खा रही हूँ, ये सब की सब सोबत में डलेंगी। ये जो है पुदीने की चटनी भी बनी हुई है, इसके साथ सैलड है, और इन सब की ये पतली पतली सी रोटियां बनाने के बाद इनके टुकड़े टुकड़े करके इसके अंदर सब, इन सब का हमने ना, इन सब को हमने मिक्स कर देना है। उसके बाद आप खाना खाएं तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। ये देखें आप, ये देखें, ये आराम से नीचे बैठ के और ये काम होता है, वरना खड़े खड़े इंसान थक ही जाता है, क्योंकि पहले रोटियां बनाता रहता है इंसान, पहले रोटियां बनाता रहे, और इसे इंसान नीचे बैठ के आराम से। ये अब हम लोगों ने बना ली है सोबत। सोबत को बनाने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन ये जो तरीका है ये बहुत ही आसान तरीका, ठीक है। ये देखें, ये जो सैलड थी और ये जो शोरबा है, ये इसके ऊपर डालें। इसमें अम्मी ने चटनी भी दी है, इसके अंदर आप लोग अनार भी डाल सकते हैं, और ये हर एक को पसंद आएगी, आप लोग घर में ट्राई करें। ये अम्मी ने ऊपर चाट मसाला डाला है। ये देखें, ये आपको पता है जनूबी पंजाब में ये बड़े शौक़ से खाई जाती है, डेरा गाजी खान में, डेरा इस्माइल खान में भी बड़े, वहाँ की तो समझे वो तो इसको मस्ट है, वो तो बहुत मज़े लेके और उनको बहुत अच्छी लगती है और ये बनाई जाती है। ज़्यादातर जो मैंने देखा है डेरा इस्माइल खान और डेरा गाजी खान के लोग इसको बहुत पसंद हैं, और ये घरों में बनाते भी हैं और
ये तो अगर अपने फ्रेंड्स की दावत करें तो ये उसमें भी ये उनको पेश करते हैं। और मैं तुम्हारा आ गया ना, एक आ गया ना तो मैं वीडियो बंद कर दूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े से होंगे। आज मैं आपको समर कलेक्शन दिखाती हूँ। बहुत ही खूबसूरत कपड़े आए हुए हैं और आप देखें और आप लोग ख़रीद भी सकते हैं अगर आपको अच्छे लगते हैं। तो फिर देखते हैं समर कलेक्शन। ये बहुत अच्छा सूट है माशाल्लाह, इसके नीचे ये मुझे बहुत अच्छे लगे। ये जो निकर है ये है, एक बहुत प्यारा सा सूट है, वाइट कलर का, इस पर ग्रे कलर का काम हुआ हुआ है और इतना प्यारा। इसके नीचे ये देखें और गेंजा का वो काम। ओके, ये एक सूट है, मैं आपको वहाँ दिखाती हूँ, वहाँ पर फिर लाइट है। ये देखिए, ये वाइट कलर का है और ग्रे काम हुआ हुआ है। एंड ये बहुत प्यारा सूट है, वाइट कलर का, इस पर ग्रे काम हुआ हुआ है, इतना प्यारा फूल वाला। देखिए ये गर्मियों में कितना अच्छा लगता है, इतना पीसफुल सा, इतना अच्छा सा ऑर्गेन्जा का काम। हाँ, ये ऑर्गेन्जा का उस पर लगा हुआ। और ये एक इसके साथ ये दुपट्टा है इसका, इतना प्यारा, सही कॉन्ट्रास्ट के साथ है। हाँ, ये क्योंकि यहाँ पे जो है ये पिंक आ रहा है ना इसके काम में, एंड ग्रेश भी आ रहा था इसलिए प्यारा। ये देखिए कितने खूबसूरत से ये लगे हुए हैं। और बैक साइड भी दिखा, बैक साइड इसकी प्लेन है, इसकी जो बैक साइड है वो प्लेन है और इसमें कुछ नहीं है। ठीक है। और ये भी एक सूट है ब्लैक कलर का, अच्छा ये भी ब्लैक कलर का बहुत प्यारा सा सूट है, इसमें वाइट कलर का काम हुआ है, वाइट कलर का काम। ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। इसका मुझे सबसे प्यार लगा है इसके जो ये हैं बाजू हैं, सबसे प्यारा लगे, इसके बहुत प्यारा काम हुआ है। उसके नीचे भी बहुत प्यारा काम हुआ है, भरा सा काम हुआ है। ये देखें, अच्छा समर में ना पार्टी वेयर भी यही होते हैं जी, क्योंकि ईद के बाहर भी बहुत अच्छे लगते हैं पहन के। देखें बहुत अच्छा है। और इसके साथ आप वाइट दुपट्टा भी कर सकते हैं और ब्लैक दुपट्टा भी कर सकते हैं, और वाइट ट्राउजर इसके साथ बहुत अच्छा लगेगा, वाइट भी और ब्लैक भी। और ये एक है पर्पल कलर का सूट, ये एक है पर्पल कलर का सूट एंड इतना प्यारा है, इस पर ये भी बहुत खूबसूरत है। ये देखें आप लोग, अच्छा ये कुर्ता है तो गर्मियों में वैसे भी इंसान को खुले खुले और लूज़ कपड़े अच्छे लग रहे होते हैं, प्यारे बटन से। हाँ, इसका दुपट्टा दिखाओ सर हर में, और इसका दुपट्टा जो है दुपट्टा भी बहुत प्यारा है, ब्लैक बहुत प्यारे कपड़े हैं। ये देखिए ये बहुत प्यारा सूट है, उसके नीचे ये है इसका ट्राउज़र, ट्राउज़र नहीं मतलब ये वो है उस टाइप का है। ये देखिए लाइट कलर है, ये पूरा समर के हिसाब से कलर है। हाँ, ये देखिए इसका कितना प्यारा काम हुआ है, इसके जो गले पे है वो काम हुआ है, इतना प्यारा इसके बाउंड्री बनी है इसकी। और इसके साथ दुपट्टा देखें, ये दुपट्टा हमने खुद इसको मैच किया है क्योंकि ये वैसे हमने शर्ट ही ली थी, और इसका दुपट्टा कितना खूबसूरत है और मैचिंग देखो अच्छा लगा माशा। इसके नीचे के वाइट ट्राउजर, वाइट ट्राउजर हो जाए या लाइट लाइट लेमन इसका ट्राउजर भी हो सकता है, वाइट भी हो सकता है, बहुत खूबसूरत ले आओ। ओके, सूट है बहुत प्यारा, इसके ऊपर ब्लैक कलर का ऐसे काम हुआ हुआ है, उसके जो नीचे उसका काम हुआ हुआ है ऐसे पर्पल एंड ग्रीन कलर का, ऐसे फ्लावर्स टाइप काम हुआ हुआ है, इस पर भी ब्लैक कलर का ऐसे इस पर बाउंड्री लिखी हुई है, और ब्लैक से कलर भी प्यारा है। और इसके नीचे हमारे पास इसका दुपट्टा ऐसा है, बहुत प्यारा दुपट्टा है इसका, बहुत प्यारा दुपट्टा है, बहुत ही खूबसूरत है, खूबसूरत दुपट्टा है। और ये देखें ब्लैक और पर्पल टाइप ऐसे ना ब्लूइश टाइप काम हुआ हुआ है इस पर, एंड ये इसके नीचे ट्राउज़र है इसका, ये देखें इसका जो ट्राउज़र है वो ये है, प्रिंटेड ट्राउज़र है, बहुत प्यारा है, ग्रीन एंड ब्लूइश कलर का हुआ है, इस पर फूल बने हुए, बहुत प्यारा था। और ये एक सूट है, ये भी समर की कलेक्शन
फैशन है, लेकिन ये थोड़ा पार्टी वेयर सूट है, ये थोड़ा पार्टी वेयर। इसमें ऑर्गेन्जा का काम है, ऑर्गेन्जा का वो है और इस पर ऐसे शीशे लगे हुए हैं, शीशों का काम है, मुझे शीशों का काम बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ये समर के लिहाज से बहुत अच्छा है। आपको शाम में कहीं जाना हो, कोई पार्टी हो, कोई भी फंक्शन हो, आप फंक्शन पे भी ये पहन सकते हैं। इसका इतना खूबसूरत इसका हुआ है दुपट्टा है, ये देखिए इस पे कैसे बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा, और इतना प्यारा ऑर्गेंजा का सूट है, फूल काम हुआ है इस पर। और ये सबसे मुझे खूबसूरत जो लगा है वो इसका दुपट्टा लगा है, माशाल्लाह ये बहुत प्यारा सूट है, ये बहुत प्यारा। इसकी देखें बाउंड्री कितनी प्यारी है, फोकस है, इतना प्यारा सा पूरा दुपट्टा है। हाँ, थोड़ा मोबाइल को पीछे लेके जाओ, बहुत प्यारा है इसका। ये एक बहुत प्यारा सा सूट है, इस पर ये काम वर्क हुआ है शीशे का पे, और ये देखिए ये आपको मैंने पर्पल दिखाया था इसके साथ में। ये दुपट्टा इसके साथ, ये दुपट्टा इसका इसके साथ का ये दुपट्टा है। मैंने इसके स्लीव्स भी दिखाओ, इसके जो नीचे वो एक ये पर्पल कलर का सूट है, सही दुपट्टा है, ये है हमारे पास दुपट्टा। टसल्स ट्राउजर,
आपको ड्रेसिंग टेबल दिखाऊंगी और थोड़ा सा मेकअप भी दिखाऊंगी, क्योंकि मेरी जो भांजी है वो कह रही है कि खाला मैं आपका मेकअप करती हूँ। अब देखते हैं कि वो कैसा मेकअप करती है, लेकिन पहले मैं आपको ड्रेसिंग टेबल दिखा देती हूँ और थोड़ा सा मेकअप दिखाती हूँ, तो फिर देखते हैं। ये देखिए जी, यहाँ पे हमारे पास मेकअप है। ये तो सारे ब्राउन शेड्स रखे हैं, बहुत ही खूबसूरत है, ठीक है। देखिए इसके ब्लश हम दिखाएं, इसके जो एक सेकेंड, ये बड़ा भैया। कैसा लगा है मैम? बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है, ब्यूटीफुल। ये देखें आई शेडोज भी हैं और इसको ये है लिपस्टिक वगैरह। चला जा, अच्छा जी पहले मैं आपको मेकअप दिखा देती हूँ कि क्या क्या हमारे पास रखा हुआ है। टिपिकल मेकअप होता है, फाउंडेशन, आईलाइनर, लिपस्टिक जी। अभी मेरी भांजी ने किया है मेकअप और बहुत अच्छा मेकअप किया है, थैंक यू हर मैम।